Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाकिस्तान के अंदर चर्च और मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, यीशु मसीह ने अगर दुनिया में दोबारा आना है ना, तो दुल्हन के लिए, अगर दोबारा उसने किसी को लेके जाना तो दुल्हन को, लेकिन जो खादम सबर से, मोहब्बत से कलीसिया की खिदमत करते रहेंगे, कलीसिया को ऐसे देखेंगे जैसे फैमिली है, जैसे अपने लोग अपनी फैमिली का हिस्सा होते, तो फिर दूल्हा अजर देगा कि वो उसको भी कलीसिया के साथ फरदौस में ले जाएगा। हालेलुया। कलीसिया के हमने सीख लिया कि बड़ी गाल में जुम्मेदारी भी है, जिन्नी वड्डा दौर है ना साडा, कि असीं यीशु मसीह दी दुल्हन, उन्नी वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुल्हन पर जुम्मेदारियां भी बड़ी है। अगर रिस्पेक्ट है, मुकाम है, तो जुम्मेदारी है। नहीं बस पास्टर ने नमाज पढ़ाती, आप हमें बोलो तो भावे ना बोलो, भाई ने गीत गाते, आप हमें बोलो तो भावे ना बोलो, बहबू क्या हो ठीक है गीते ते कैसे। दुल्हन की जुम्मेदारी है, याद रखे, मसीह के बदन की तरक्की के लिए जो काम है वो किसी एक शख्स का नहीं। मैं करा गल सुनाई सी तीड़ा इलाका, सुनाई सी कि एक जगह दड़ थोड़ी जी गढ़ है, पता चिड़ा ने कहा था ना, चिड़ा इलाका, अजय मेरे हाथ ये करना नहीं, वो इना तो बढ़ेगा तो की लाएगा है नी, तो फिर अगे जाएगा थे। वो वेदिया 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 पूरा खेत लिया अजय मेरे, पूरा खेत और ऐसी जड़, यह गल सुनना था, जड़ ऐसी कि वो घर वढ़ दे जाओ थले हो निकल जाओ है जी, ओनू ऐसा पक्का पीठा का जी, ओनू साड़ना ही पैंदा है, वो कहिंदा है चाक लाओ, वो फिर निकलो, ओनू पट्टो फिर निकलो। ये ईमानदार कलीसिया की ड्यूटी, एक घर इत्थे रहिंदा है, ओदा काम है अपनी रूहानी जड़ां नाल दे घर च कटदे, बाजी जी किहड़े किहड़े जांदे हो, असीं ते किते नहीं जांदे, इस बार तुसीं मेरे नाल चलना है। कलीसिया की ईमानदारी ये है कि वो मसीह के दूल्हा के बदन की तरक्की के लिए, उसका असर दूसरे घर पर, जहां पास्टर नहीं जा सकता वहां कलीसिया। याद रखे, जो बड़ी खिदमत हमें दी गई है एक किसी एक बंदे की खिदमत में, जहां जहां कलीसिया रहती है, तीड़ा वाले घर की तरह ना जड़ा ना फैल दी जाए, ताकि एक बंदा आएगा यीशु के नाम में पूरे पाकिस्तान लोगों को पकड़ना ना। याद रखो, जिस गली च एक घर दुआ करने वाला रहता ना, अगर सात अठ बुद्ध परस्त रहते हैं, कोई बाबिया कोई तवीदा को जाता, याद रखो, अगर अपना माहौल, अपने घर की फजा, अपने चौगिर्द यीशु की हजूरी चाहते हैं, तो आपको अपने करीब के लोगों को बदलना है, बदलना है लोगों को, कहां लाना है चर्च, पर उनको जो किसी चर्च नहीं जाते, जो किसी भी चर्च जा रहे, ठीक है ना, किसी भी चर्च जा, दुनिया के तमाम चर्च मिलकर मसीह का चर्च है। जो किसी चर्च जा रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक जहां पे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं तोड़ना,
ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ? ਯਹੀ ਹਾਲ ਉਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਹਾਲ ਜਬ ਹਮ ਉਸਕੇ ਚਰਚ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਚਰਚ ਕੋ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਖਾਦਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਜੋ ਚਰਚ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੁਆਓਂ ਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆਏਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਕੋ ਔਰ ਬੜਾ, ਹਮੇਂ ਵੀ ਬੜਾ, ਇਨਕੋ ਵੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਕਿਸੀ ਚਰਚ ਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਨਕੋ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਕੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਆਜ ਚਰਚ ਨਾ ਅਗਲੀਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਜ ਚਰਚ ਚਰਚ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਮੇ ਚਰਚ ਕੋ ਚੈਲੇਂਜ ਬਾਹਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਬਾਹਰ ਸੇ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਯਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਸੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। चोर भेड़खाना के अंदर से उठाता भेड़े, लेकिन चरवाहा ढूंढने के लिए जाता है। जो किसी चर्च की भेड़े चराता है, समझ रहे हैं कि पासवान नहीं है, ये पास्टर नहीं है, ये चोर है, ये डाकू है, ये किसी न किसी की मेहनत की हुई भेड़े चुरा कर भाग रहा है। जो किसी चर्च जा रहा बेटा उसको नहीं, लेकिन जो खोए हुए हैं, जो चर्च नहीं जाते, खुदा से दूर, दुआ से दूर, खुदा की हजूरी से दूर, कलाम से दूर, उन्हें पकड़ लेना है। मैं उनकी बात कहता हूँ जो खुदा से दूर है, जो चर्च नहीं आते, तभी ताकि बुझ परस्ती उनको लाना यीशु के करीब। जैसे जैसे आप लाएंगे, खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा। हालेलुया। हम कभी दूसरे के चर्चों को परेशान नहीं करेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इनको और बढ़ा दे, इनको और ये कलीसिया फैल जाए, इसलिए कि हम सब मिलकर एक हैं, तमाम पास्टर भाई मिलकर एक हैं, तमाम चर्च मिलकर एक हैं। लेकिन हम ढूंढेंगे, हम उठाएंगे नहीं। अगर कोई पास्टर आपके साथ भी ऐसी कोई बात करे, नाले ताले तो चाय पिए, नाले पानी पिए, नाले बिस्किट खाए, नाले मंजे दिया दोनों भिलियां खा जाए, तो ज्यादा ज्यादा ये भी करे उधर नहीं दे जाना, इस तो आलू एक करा इधर आके देखो, ओनू तुम कहना है अंकल जी, भाई जी, प्यारे पास्टर साहब जी, जेड़ा जी उसे एक करा आके देखो, एक करो भी उसे की तेल निकल आया, सोना निकल आया, कई लोग गल इच्छे करके वहा तेरी गल च कोई असर होगा तो तेरे पिछले पीछे आ जाएगा। दूजी गल, अगर तू बाज ना आयो तो तेरे वास्ते साडे लई कलाम ये आ कि चरवाहे खोई हुई भेड़ा नूं लभण जांदे ने, तू साडे चर्च चो साडे इस गल्लां चो भेड़ा चुकण आ गया, मैनूं तू खादम लगदा ही नहीं, मैनूं तू चोर नहीं लगदा है ते डाकू। बात सही है बेटा, आज चर्च के अंदर इत्तेफाक नहीं है, और चर्च के अंगेज काम ना करो, पाकिस्तान के अंदर चर्च और मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया।